धीमा नहीं होने देते, इसका कवर भी कर देते। भारतीय जनता पार्टी का बिहार विधानसभा घेराव शुरू हो गया है। शिक्षक, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विधानसभा के लिए गांधी मैदान से आगे बढ़ने लगे हैं। अपने तीन मांगों, पहला नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देना, दूसरा 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे का क्या हुआ, तीसरा चार्जशीट तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी मार्च कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर हमला बोला, आप भी सुनिए। यही तो तानाशाही है। लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, ये अधिकार है सभी लोगों को, और आप उस अधिकार से लोगों को वंचित कर रहे हैं। और अगर शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, क्योंकि अगर नौकरी से निकाल देंगे, हिम्मत है तो निकाले, कितने लोगों को निकालते हैं, कितने लोगों पर कार्रवाई करेंगे, तो सरकार की इसी प्रकार की जो तानाशाही है। फिर 10 लाख रोजगार का क्या हुआ, सरकारी नौकरी, कहा था कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो बताएं तेजस्वी यादव, कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना था, क्या हुआ उसका। उसी प्रकार तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में चार्जशीटेड है, एक चार्जशीटेड व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी। भाजपा ही नहीं, बिहार की जनता सड़क पर है। बिहार के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले बिहार के लोग अपने आक्रोश को प्रदर्शित करने यहाँ पहुँचे हैं। आज विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों की संख्या में मार्च करने वाले हैं। यहाँ किसानों के अधिकार को छीना जा रहा है, शिक्षकों के अधिकार को, छात्रों के अधिकार को, महिलाओं के, छात्रों के अधिकार को छीना जा रहा है। सब पर लाठियां चार्ज हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और यहाँ नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर यह ठगी कर रहे हैं। यह सरकार को आज जनता, बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी जगाएगी, बहरी और गुंगी सरकार को आज जगा कर रहेगी। हम बिहार की जनता का हक नहीं छीनने देंगे, हम उनके अधिकार को, यह सरकार महागठबंधन की छीन रही है, हम उसके हक को छीनने नहीं देंगे। आज का यह बिहार विधानसभा मार्च भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, विधायक आज इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से मार्च करके बिहार विधानसभा का घेराव करके सरकार को बाध्य करेंगे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ कई मुद्दों पर, कई मुद्दों पर उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो गलत है। उन्हें वर्तमान जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके समान उनकी भी परीक्षा लेना कतई उचित नहीं है। और हमारा मुद्दा भ्रष्टाचार भी है कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी पर सीबीआई ने आरोप गठित किया है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात किए हैं, और एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कि उन्होंने अलग अलग अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का उन्होंने इस्तीफा लिया है, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति उनके अपने कारणों से आज जिस प्रकार से खराब हो गई है, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि श्री तेजस्वी यादव जी का वो इस्तीफा लें। बता दें कि पुलिस ने बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज भी किया है, जिसमें कई नेताओं को गंभीर चोटें भी आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।